नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार बीए और एमए के छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए हिंदी साहित्य जो मीरा कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एमए के अध्ययन के दौरान आप कौन से पेपर पढ़ते हैं और किस पेपर का क्या नाम है और किस पेपर जो कौन सा पेपर जो पूर्वाध में है और कौन सा पेपर जो उत्तराध के पाठ्यक्रम में संकलित है। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं, उस पेपर का शीर्षक क्या होता है और कौन सी कक्षा में आपको पहले 5 पेपर प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उत्तराध में कौन से 5 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है लेकिन उसको क्लास में भी आता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो कौन सा प्रश्न पत्र जो है पढ़ रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो एमए हिंदी साहित्य में एक आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि विश्वविद्यालय में जो नियमित विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सेमेस्टर के अनुसार अध्ययन करते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में हम जो अध्ययन करते हैं वह सेमेस्टर की जगह वार्षिक परीक्षा के आधार पर करते हैं। यानी वहाँ 6-6 महीने के उपरांत से पेपर बदल जाते हैं और एग्जाम 4 बार होता है, जबकि हमारे यहाँ अपन पूरे वर्ष में एक बार एग्जाम देते हैं और 5 पेपर जो पूर्वाध में और 5 उत्तराध में पढ़ते हैं। तो एमए हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने बीए की कक्षाओं में भी पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे हर एक साहित्य का इतिहास होता है, उसका कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ कौन कौन रचनाकार हुए, कैसे विकास प्रक्रिया आगे बढ़ी और कितने हजार सालों से ये साहित्य लिखा जा रहा है, उन सब का अध्ययन जिस पाठ्यक्रम में होता है, जिस पेपर में होता है, उसको हिंदी साहित्य का इतिहास हम कहते हैं। तो पहला जो आपका पेपर है वो है एमए पूर्वाध का हिंदी साहित्य का इतिहास प्राचीन एवं मध्यकाल। दूसरा पेपर भी इसी शीर्षक से है, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इसमें हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं आधुनिक काल 1850 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल माना जाता है और 1850 से पूर्व जो समय था वो प्राचीन और मध्यकालीन जो है हिंदी साहित्य माना जाता है। तकरीबन माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास मोटे मोटे तौर पर हिंदी साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ, तो 1000 से 1850 हम मोटे तौर पर मान सकते हैं। वो हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन आप पहले पेपर में करेंगे और दूसरा पेपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसका भी शीर्षक वही है, उसमें आप जो है आधुनिक काल पर अध्ययन करेंगे। यानी 1850 से अभी तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उनका जो है अध्ययन आप उसमें करेंगे। आपका तीसरा पेपर एम ए हिंदी साहित्य का जो होगा वो होगा साहित्य शास्त्र। चौथा आपका जो पेपर होगा वो होगा आधुनिक काव्य, यानी जो आधुनिक कविता जो हिंदी में लिखी गई आजादी के बाद, जो आधुनिक साहित्य लिखा गया आपका और उसके पहले भी जो है भारतेंदु युग से लेकर 1850 ईस्वी से लेकर 1947 और 1947 के बाद भी जो साहित्य लिखा गया वो सब आधुनिक काल आता है, आधुनिक काव्य आता है। तो इस शीर्षक से पूरा आपका एक पेपर होगा और इस प्रश्न पत्र में आप आधुनिक कवियों और उनकी कविताओं के बारे में आप जो है अध्ययन करेंगे। पूर्वाध का अंतिम पेपर यानी जो पांचवा आपका प्रश्न पत्र होगा वो होगा कथा साहित्य, यानी उपन्यास कहानी जिसको हम मोटे तौर पर कथा साहित्य कहते हैं। तो आपके एमए हिंदी साहित्य के पूर्वाध का अंतिम पेपर कथा साहित्य होगा। अब यदि अपन जब एमए पूर्वार्ध पास करके अपन उत्तरार्ध में जाते हैं तो 5 दूसरे पेपर का अध्ययन हमें करना होगा और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष सत्र 2020-21 में अभी जो फिलहाल स्थिति है कि एमए पूर्वार्ध के छात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है, यानी वो अगली कक्षाओं में अभी फिलहाल प्रमोट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग 30 जून तक अपना जो है प्रवेश फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जाके भर दीजिए, फीस ऑनलाइन कटा दीजिए, ताकि जो है आपका एमए उत्तरार्ध में स्वाभाविक रूप से एडमिशन ऑटोमेटिक एडमिशन आपका हो जाए। परीक्षाएं होंगी नहीं, वो बाद में होगा, नहीं तो आप फिलहाल जो है आप तुरंत जाके एमए फाइनल में एडमिशन लीजिए।
और एमए फाइनल हिंदी साहित्य में जो पहला पेपर आपका होगा वो होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, यानी जो पुराना मैंने अभी आपको बताया था कि 1850 ईस्वी से पूर्व जो हिंदी साहित्य है वो प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य के नाम से और काव्य के नाम से जाना जाता है, तो उससे पूर्व का जो साहित्य है उसका अध्ययन आप जो है करेंगे वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य शीर्षक से करेंगे। चूंकि 1850 से पहले गद्य रचनाएं बेहद कम मात्रा में हुई थी हिंदी साहित्य में, इसलिए गद्य का प्राय हम अध्ययन 1850 ईस्वी के पहले नहीं करते। गद्य का प्रचार प्रसार जो है वो 1850 ईस्वी के बाद हुआ था, इसीलिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा था, गद्य साहित्य भी कहा था। तो आपका जो उत्तरार्ध का पहला प्रश्न पत्र होगा वो होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। उत्तरार्ध का दूसरा प्रश्न पत्र आपका होगा भाषा विज्ञान का, यानी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को लेकर जितने तरह के जो प्रश्न और जितना पाठ्यक्रम होता है उन सबको आप भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं। उत्तरार्ध का तीसरा पेपर होगा आपका नाटक एवं रंगमंच। आप सभी जानते हैं नाटक देखे खेले लिखे जाते हैं, रंगमंच आप समझ ही गए, नाटक का जब मंच पर प्रस्तुति होती है तो उसको रंगमंच कहते हैं, और उदयपुर में आप जानते ही हैं बहुत सारे रंगमंच जो है बने हुए हैं और जहाँ पे नाटकों की नियमित प्रस्तुति होती रहती है। तो ये जो पेपर होगा वो नाटक एवं रंगमंच के नाम से होगा और इसमें हम विभिन्न नाटकों और उनका अध्ययन करेंगे। उत्तरार्ध का जो चौथा पेपर है वो तीन विकल्प है उसमें, ए बी और सी, यानी आपको तीन विकल्प दिए जाएंगे उसमें से एक का आपको अध्ययन करना होगा। पहला विकल्प जो है ए होगा वो निबंध एवं अन्य विधाएं, यानी आप अगर आपकी रुचि निबंधों में और अन्य गौण विधाएं जैसे संस्मरण यात्रा वृतांत या जो है डायरी लेखन और इन सब में अगर आपकी रुचि है, रेखा चित्र है, तो वो अन्य विधाएं गद्य की कहलाती है। तो अगर आपकी रुचि निबंध में है तो आप ये पेपर ले सकते हैं निबंध एवं अन्य विधाएं। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है तुलनात्मक भारतीय साहित्य, यानी जो भारत में जो तमाम अन्य भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है वो किस तरह का है, उसको अनुवाद के रूप में पढ़ना, वो सब तुलनात्मक भारतीय साहित्य में आता है। और तीसरा इसी में विकल्प है लोक साहित्य, यानी ये जो तीन विकल्प दिए हुए हैं ये इन तीनों में से हमको एक कोई प्रश्न पत्र लेना होता है। अब जो महाविद्यालय जहाँ आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी भी महाविद्यालय में, तो उस महाविद्यालय में वो कौन सा पेपर ऑफर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है वो पेपर वहाँ पढ़ाया जाता है, यानी जो महाविद्यालय में जो पेपर उपलब्ध होगा उसका आपको अध्ययन करना है। और एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य का अंतिम प्रश्न पत्र जो होता है, यानी दसवां पेपर को लाभ का, पांच आपने पूर्वाध में पढ़ा, पांच उत्तरार्ध में पढ़े, वो होता है रचनाकार का विशेष अध्ययन। यानी रचनाकार का विशेष अध्ययन मीन्स किसी राइटर विशेष को हम गहराई से पढ़ते हैं, यानी किसी एक रचनाकार को ले लिया और उसका जो है समग्र अध्ययन, यानी पूरा उसका जो साहित्य लिखा गया है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किसी एक रचनाकार को लेकर करना होता है, वह आप एमए उत्तरार्ध का अंतिम पेपर है। और इसमें कुछ कुल आपके पांच रचनाकार संकलित हैं, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सामकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन और निर्मल वर्मा, यानी ये पांच रचनाकार जो हैं उनमें से किसी एक रचनाकार को आप प्रश्न पत्र के रूप में लेंगे और आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है उसी रचनाकार के जो है अध्ययन सामग्री पर जो पाठ्यक्रम में दी हुई है उसी पर आधारित होगा। जैनेन्द्र कुमार, राहुल सामकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन, निर्मल वर्मा को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं सबके बारे में, तो इन्हीं सब एक किसी रचनाकार को आपको एज ए विकल्प के रूप में लेना है और उसका पूरा अध्ययन जो है उस प्रश्न पत्र में किया जाता है। इसी दसवें पेपर में एक विकल्प और दिया जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी, यानी वो हिंदी जो आज आप विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो काम आ रही है हिंदी भाषा पत्रकारिता और बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता साबित हुई है, तो वो पेपर जो है प्रयोजन मूलक हिंदी होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को देखें और अपने पेपर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता रखें कि उनको कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा पूर्वार्ध में होता है, कौन सा उत्तरार्ध में होता है और किस पेपर में कौन सी जो है विशेष सामग्री उनको पढ़नी है, उस तरह से जो है अपनी तैयारी आगे रखें। आज के लिए यही इतना ही, धन्यवाद।